आज हम देखने वाले प्रोज एंड कॉन्स किया सेल्टॉस HTX जो इस कार का हाईएस्ट सेलिंग मॉडल है। ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है। मुझे इस कार को ओन करके 7 मंथ्स हो गए और 5,500 किलोमीटर्स चल चुकी है और ये एक ट्रू ओनरशिप रिव्यू है। तो देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स और ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको किसी और वीडियो में शायद ही देखने मिलेगा। तो किया सेल्टॉस जब से इंडिया में आई है तब से बहुत ही डिमांड में है और शायद ही किसी कार मैन्युफैक्चरर ने इतने मॉडल्स अवेलेबल किए हैं जितने किया सेल्टॉस में आते हैं इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस को लेकर। अगर 12 लाख से 24 लाख के बीच में आपका बजट है तो इस रेंज में बोल सकते कि हर बजट के लिए एक किया सेल्टॉस अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फर्स्ट प्रो के बारे में, तो वो है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है, स्टिफ सस्पेंशन होने की वजह से हाईवे पे बहुत स्मूथ है। सिटी ड्राइव के हिसाब से बोल सकते हैं कि थोड़े से कुछ जर्क्स फील हो सकते हैं लेकिन हाईवे पे बहुत स्मूथ है और स्टेयरिंग व्हील बहुत स्मूथ है, बहुत लाइटवेट स्टेयरिंग व्हील है इसका। और ब्रेकिंग की बात करें तो इस मॉडल से HTX मॉडल से इवन पेट्रोल मॉडल में भी चारों डिस्क ब्रेक आने लगते हैं इसके। तो दूसरे प्रो की बात करें तो है इसके लुक्स। ये दिखने में बहुत ही बोल्ड लगती है, बहुत ही मस्कुलर है और फ्यूचरिस्टिक लुक लगता है। अगर कंपेयर करें क्रेटा से तो क्रेटा का मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल लुक है जबकि इस कार का एक फिनिश्ड लुक लगता है। फिर चाहे बात करें इसके हेडलैम्प्स की या किया का सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल या इसके टेल लैम्प्स की, तो ऐसा नहीं लगता कि किया ने कहीं पर भी डिज़ाइन को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और अगर कलर की बात करें तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें, फिर चाहे सिंगल टोन हो या ड्यूअल टोन कलर्स हो, कोई भी कलर आप पिक करोगे तो लुक वाइज आपको बहुत ही अच्छी लगती है। तीसरे प्रो की बात करें तो इसके इंटीरियर्स इसके बहुत ही स्पेशियस है। ड्राइवर सीट 6-way एडजस्टेबल आती है, पैसेंजर सीट के लिए भी बहुत अच्छा खासा स्पेस है और बूट स्पेस है इसका 433 लीटर्स का जो सफिशिएंट है इस रेंज में। 5 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं इसमें। फोर्थ प्रो की अगर बात करें तो है इसके फीचर्स। सभी को पता है कि किया सेल्टॉस बहुत ही फीचर लोडेड कार है और बहुत ही फीचर्स इसमें अवेलेबल है। फिर चाहे वो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, इस मॉडल से 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल है, क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, सनरूफ भी इस मॉडल से अवेलेबल है और यूवो कनेक्टेड कार का फीचर आता है, वॉइस असिस्टेंट आता है इसमें और स्टोरेज वाइज भी काफ़ी अच्छा स्टोरेज है इसका। और इसमें अवेलेबल है ऑटो डिमिंग IRVMs और साथ ही में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का भी सपोर्ट है और बाकी किया सेल्टॉस HTX के फीचर्स आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो रहे होंगे। और एक प्रो की अगर बात करें तो वो है किया सेल्टॉस का आफ्टर सेल सर्विस। कुछ मिक्स रिव्यूज़ मैंने देखे हैं वैसे, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है वो बहुत ही बढ़िया है। फिर चाहे वो कार परचेस की बात हो या सर्विसिंग की टाइम की बात हो, वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, स्टाफ उनका बहुत अच्छा है और आपको फील होता है कि आपने कुछ अच्छा परचेस किया है। और इवन लॉकडाउन के टाइम पे अब मेरे सिटी में किया का सर्विस सेंटर नहीं है तो जो फ्री सर्विसिंग रहती है वो मिस ना हो इसके लिए उन्होंने 2 मंथ से फ्री सर्विसिंग का टाइम एक्सटेंड कर दिया और लॉकडाउन के टाइम भी उन्होंने मतलब कॉल करके बताया कि कार का केयर कैसे रखना है लॉकडाउन के टाइम पे। तो ये बात हो गई इसके प्रोस की और अभी आते हैं कॉन पे। तो सबसे पहला कॉन जो किया सेल्टॉस के हर मॉडल में है, फिर चाहे आप बेस मॉडल ले लो या आप GT लाइन ले लो और ये सबको पता ही होगा, वो है इसके हेडलैम्प्स। इतने बकवास हेडलैम्प्स आते हैं इसके कि अगर सामने से कोई हाई बीम पे आ रहा हो तो इसके हेडलैम्प्स समझ लो बेकार है। और हेवी रेनफॉल तो छोड़ो, मतलब मॉडरेट रेनफॉल में भी अगर आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हो
तो ऐसा समझ लो कि आप राम भरोसे ही गाड़ी चला रहे हो। बात करें अगर दूसरे कौन की, तो जैसे मैंने स्टोरेज का बताया था प्रो में, वैसे ही एक इसका स्टोरेज स्पेस है ये सनग्लास होल्डर। इसमें अगर आप सनग्लास रखोगे तो एक रैटलिंग नॉइस आती है जो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से आ रही है, मतलब लगेगा ही नहीं कि यहाँ से आ रही है, वो आपको ऐसा लगेगा कि बैक साइड से कैसे आ रही है। तो इसका कुछ इंसुलेशन अच्छा नहीं है। तीसरा कौन ये है कि कार है बहुत फीचर लोडेड, पर कुछ कुछ जगह पर किया ने कॉस्ट कटिंग की है, फिर चाहे वो प्लास्टिक क्वालिटी को लेकर या फिर इस मॉडल में ड्राइविंग मोड्स नहीं आते। और परफॉर्मेंस की वैसे बात करें तो फिर और सिटी ड्राइव के हिसाब से थोड़ा सा, मतलब स्पीड ब्रेकर पे आपको बहुत ही स्लो करना पड़ता है स्टिफ सस्पेंशन की वजह से, और एक हल्का सा आपको लैग फील होगा सेकेंड गियर में। कभी कभी कार अपना टाइम लेती है, हमेशा नहीं होता, पर कभी कभी ये मैंने फील किया है। और बात करें इसके सबसे बड़े कौन की, तो वो इसके सेफ्टी रेटिंग्स। और बात करें इसके सबसे बड़े कौन की तो वो है इसके सेफ्टी रेटिंग्स, मतलब इतना प्रीमियम पे करने के बाद भी आपको 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग में मिल रहा है, सिर्फ 2 एयरबैग मिल रहे हैं। तो बुरा लगता है भाई। तो ये थे किया सेल्टॉस के प्रोज एंड कॉन्स एक ओनर्स पर्सपेक्टिव से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप किया सेल्टॉस लेने का सोच रहे हो, या किसी भी तरह से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।